हेलो फ्रेंड्स, तो आज हमारे घर में आया है एक नया फ्रिज। ये है सैमसंग का। कौन सा फ्रिज है एग्जैक्ट नंबर मुझे एक्चुअली पता नहीं है, लेकिन सैमसंग का 465 लीटर्स का फ्रिज है। इसमें फ्रीज़र ऊपर अलग है और नीचे फ्रिज अलग है, और ये कन्वर्टेबल नहीं है। मतलब कन्वर्टेबल में कैसा होता है कि आप फ्रीज़र को भी फ्रिज बना सकते हैं और फ्रिज को फ्रीज़र नहीं बना सकते, लेकिन फ्रीज़र को आप फ्रिज बना सकते हैं अगर आपके पास जगह कम पड़ रही है तो। तो ये भैया आए हैं हमारे घर पे डेमो देने और इंस्टॉल करने के लिए। एक्चुअली ये फ्रिज हमने ही खुद ने ही निकाल लिया था, हमारे मतलब अनबॉक्सिंग कर लिया था। वो मैं अनबॉक्सिंग करना भूल गया और वीडियो बनाना भूल गया, तो फिर ये भैया आए थे चेक करने के लिए कि हमने सही लगाया है कि नहीं। तो ये खोल के पूरा सेटिंग करके हमको बता रहे हैं कि फ्रिज के अंदर कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी जगह पर क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है। अभी जो आपके इनके हाथ में जो आपको दिख रही है चीज़, ये आइस ट्रे है। ये बहुत ही बढ़िया आइस ट्रे है, इसके अंदर आइस को आप कलेक्ट भी कर सकते हैं, ऊपर आइस बन जाती है। और फिर इसका एक छोटा सा पार्ट को ऐसा घुमा दीजिए तो वो आइस जो बनी होती है ना वो नीचे कलेक्ट हो जाती है, और ये ऊपर हमने रख दिया है। अब भैया हमको दूसरी चीज़ों के बारे में भी बता रहे थे, और इसके अंदर जितनी भी चिप्पियाँ और पन्नियाँ हैं ना, मतलब हमारे राजस्थान में तो इसको चिप्पियाँ और पन्नियाँ ही बोलते हैं, उसको निकाल रहे थे। इन्होंने बोला निकालनी है तो निकाल दो, नहीं निकालनी, लेकिन एक्चुअली पता है निकाल देनी चाहिए, क्योंकि निकाल देने से सही रहता है बाद में, नहीं तो इसके ऊपर ना इसके अलग अलग तरह के वो स्टिकर के मार्क्स रह जाते हैं। और इस फ्रिज के अंदर एक और ख़ास बात ये है कि अगर आप गेट को काफ़ी देर तक खुला रखेंगे ना, तो फिर इसके अंदर से एक बीप का साउंड आने लग जाएगा। क्योंकि काफ़ी पुराने फ्रिजों के अंदर ऐसा होता था कि आपका फ्रिज का गेट खुला ही है लेकिन आपको पता नहीं रहता था, लेकिन ये एक बज़र बजाने लग जाता है कि आपका फ्रिज खुला है। अब ये भैया ने फ्रिज बंद कर दिया। देखिए हमारा फ्रिज कितना बड़ा है, ये अराउंड 8 फीट का फ्रिज है। भैया की हाइट अराउंड 5'8" थी, भैया की हाइट से भी काफ़ी लंबा बड़ा फ्रिज था, और ये हमने सेट कर दिया है। तो मम्मी बता रही है कि टेढ़ा है कि सीधा है, इसको सीधा रख दीजिए। और भैया ने आप खोल के हमें बताया कि इसको आप वाईफाई से भी कनेक्ट कर सकते हैं फ्रिज को। वाईफाई से फ्रिज को कनेक्ट करने के बाद आप अपने मोबाइल से ही उसके जो मतलब जितना अंदर ठंडा गर्म जो भी करना है ना वो आप कर सकते हैं। भैया ने ये वाला बोला कि इसको आप मैक्स पे रखें, जो फ्रीज़र है उसको मैक्स पे रखना है, मैक्स पे नहीं सॉरी इसको सेंटर में रखना है। इसके अंदर आप बर्फ़ जमा देंगे और इसको घुमा देंगे तो बर्फ़ नीचे आ जाएगी। और लाइट का भी सेटिंग है तो लाइट ऑटोमेटिक ऊपर नीचे जल जाती है। ये सेंटर में रखने को ही बोला था भैया ने हमको। अब नीचे यहाँ पे आपको डेयरी प्रोडक्ट्स रखने हैं, दूध वगैरह जो भी आएगा वो यहाँ पे रखना है। और यहाँ से आप इसको अगर आपको अल्ट्रा फास्ट कूलिंग करनी है कि आपको जल्दी से पूरा फ्रिज ठंडा करना है, तो आप इसके अंदर जैसे अपने एसीज़ के अंदर हाई कूल होता है वैसे इसमें भी एक हाई कूल का ऑप्शन है, उसको दबा दीजिए तो ऑटोमेटिकली पूरा फ्रिज ठंडा होके हाई कूल होके नॉर्मल टेम्परेचर 3 पे चले जाएगा। और इसको अपने को 3 पे ही रखना है, 3 बोला भैया ने रखने के लिए, तो हम 3 ही रखेंगे, हम ज़्यादा सेटिंग्स को छेड़ेंगे नहीं। और नीचे अपनी अलग अलग ट्रेज को अपन सेट भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। और यहाँ पे अलग सामान रख सकते हैं ऊपर, जैसे अगर आप एग्स एग्जिटेरियन है तो एग्स भी रख सकते हैं ऊपर। तो ये हो गया हमारा फ्रिज, बड़ा ही खूबसूरत था। थैंक यू सो मच।